मनीष जी से कितना दिन पहले आप मिले थे? वही 10 दिन पहले। कहाँ पे? वही तमिलनाडु जेल में। वो भी एक एक दिन गिन रहे थे कि हाँ मैं बिहार में आ जाऊंगा, मैं अपने मातृभूमि में आ जाऊंगा। मनीष कश्यप इस वक्त सच में पिंजड़े में है, मतलब शेर होते हुए भी पिंजड़े में है। एक शब्द में अगर पूछे तो मनीष कश्यप कब तक जेल से निकल सकते हैं? देखिए सबसे बड़ा इशू है कि NSA। 10 दिन पहले आप मिलकर आए थे, एक बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, टूट गए वो मनीष कश्यप या फिर टूटने के बाद फिर बिखर के और निखर कर सामने आएंगे? लगभग मैं पॉलिटिकल आदमी की बात करूं तो लगभग सारे लोगों की दरवाजा खटखटा चुका हूं, चाहे हाँ। फिर भी बंदा एक एक दिन काट रहा है। एक एक दिन काट रहे हैं। हाँ, बिहार वासियों से मैं बोलना चाहूंगा, एक एक दिन काट रहा है। आप माँ रोती होती हैं। जितनी मुश्किल भाई को संभालने में मुझे लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा मुझे माँ के प्रति मुझे डर लगता है। जमीन बेचे नहीं है, गिरवी रखे हैं बस। ये जमीन गिरवी रखे मनीष कश्यप के लिए। हाँ, बेचे नहीं है। बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप तमिलनाडु के जेल में बंद है, लेकिन इकलौता ऐसा भाई जो मनीष कश्यप के लिए तमाम जगह पहुंच रहे हैं और मनीष कश्यप के लिए न्याय की उम्मीद के साथ तमाम लोगों के पास पहुंचकर ये गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो ऐसा सुने जो मनीष कश्यप को तमिलनाडु की जेल से बाहर निकाले। हालांकि मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा है और तमाम मीडिया न्यूज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मनीष कश्यप को निकलने में भी समय लग सकता है, 5-6-7-8 महीना तक। लेकिन इनके भाई एक ऐसे इकलौते इंसान है जो मनीष कश्यप के लिए जी जान से लड़ रहे हैं, तमाम जगह जा रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु जाना हो, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जाना हो, बिहार आना हो, तमाम जगह जा जाकर मनीष कश्यप की आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ये चाहते हैं, इनके साथ पूरा देश चाहता है, पूरे बिहार के लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द निकले और मनीष कश्यप पुनः जो है बिहार के लोगों की आवाज बुलंद करे। करण कश्यप है हमारे साथ, हम इनसे आज उन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे जो मनीष कश्यप से संबंधित है और जानेंगे कि आखिर मनीष कश्यप कब निकलेंगे, NSA कब हटेगा, तमिलनाडु की जेल से बिहार की जेल में वो कब आएंगे और अगर NSA हटेगा तो कितने दिन बाद हटेगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई, इसके बाद बिहार में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, जो FIR दर्ज हुआ था उस पर कितनी कार्रवाई हुई, तमिलनाडु में जो FIR दर्ज हुई थी उस पर क्या कार्रवाई हुई है, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। करण भाई स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए मनीष जी से कितना दिन पहले आप मिले थे? वही 10 दिन पहले। कहाँ पे? वही तमिलनाडु जेल में। क्या रिएक्शन रहा, मतलब क्या पूछा उन्होंने और आपने क्या बताया? NSA के ऊपर सवाल जवाब कुछ हुआ कि NSA हटेगा या नहीं? एक भाई जो जेल में बंद है वो चाहता है कि मैं जेल से निकल कर बिहार के लोगों की आवाज उठाऊं और आपको पता है कि अभी इस तरीके से केस फंसा हुआ है कि 3-4 महीने तो वो निकल नहीं सकते हैं, क्या सांत्वना देते हैं आप उनको? देखिए वो 8 तारीख की जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके पहले हम लोग जब भी बात होती थी, चाहे कॉल पे भी बात करना, चाहे उनसे मिलके भी बात करना, तो पूछते रहते क्या चांस लगता था। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट अपनी रुख को 21 तारीख की सुनवाई में, उसके चाहे उसके पहले वाली सुनवाई में जिस तरह रुख बनाई थी कि हमारे तरफ से थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा था, और क्योंकि 21 तारीख को सुनवाई में ये बताया गया था कि आप NSA क्यों लगा सकते हैं एक पत्रकार पे, और भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है उस पे तो NSA बनता नहीं है, तो हम लोग के अंदर भी एनर्जी आती कि हाँ जब मे भी हट जाएगा। उसके पहले बहुत सारे ऐसी चीज थी कि जैसे जो 8 मई को जो सुनवाई थी उसमें 100% उम्मीद थी, 90% उम्मीद थी कि मनीष कश्यप के ऊपर से NSA हट जाएगा, क्योंकि NSA बनता भी नहीं है। उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था, और इसके पहले भी चाहे वो अर्णव गोस्वामी हो, चाहे जुबेर हो, चाहे जो बहुत से चंद्रशेखर हो, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि NSA लगा नहीं है। चाहे कोरोना टाइम में लगभग 37-38 आदमी पे को लगा था और 7 दिन के अंदर में खत्म हो गया था। और यहाँ पे मनीष कश्यप के जो भी मुद्दा था उसमें किसी टाइप का कोई भगदड़ नहीं हुई है, किसी की मौत नहीं हुई है, चाहे किसी टाइप का कोई भी ऐसा नुकसान भी नहीं हुई थी, तो NSA बनता भी नहीं था। हम लोग को उम्मीद थी कि हाँ जा वो NSA हट जाएगा, और भाई को पूछता रहता था कि हाँ कितने दिन में हो जाएगा, कब हो जाएगा, क्या चांस लग रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट बोलते 99.99% आपका NSA हट जाएगा, ये उम्मीद थी आपको 8 तारीख को। हाँ मुझे उम्मीद थी, तो मैं भी उसको फॉरवर्ड कर दिया इसी वर्ड को, तो लेकिन उसके बाद जजमेंट थोड़ा पलट गई, फिर उसके बाद से थोड़ा निराशा हुआ उनको भी, क्योंकि वो भी एक एक दिन गिन रहे थे कि हाँ मैं बिहार में आ जाऊंगा, मैं अपने मातृभूमि में आ जाऊंगा, मैं अपने मातृ राज्य में आ जाऊंगा। लेकिन मतलब आपने ये मैसेज मनीष कश्यप तक फॉरवर्ड कर दिया था कि 8 तारीख को NSA 99.999% हट जाएगा। बिल्कुल, जैसे वो एडवोकेट लोग भी, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे एडवोकेट हमारे साथ भी थे और बात में हमेशा टच में रहता था, तो उन लोग भी बोलते थे कि हाँ जी NSA बनता नहीं है मनीष कश्यप पे, मतलब वो हट जाएगी, आपका जजमेंट आपका आपके पक्ष में आएगी। करण भैया, मनीष कश्यप जी सामने आकर फ्रंट फुट पर वो जो है रिपोर्टिंग करते थे, आप कभी सामने नहीं आए जनता के बीच में, और ना आपको कोई जानता है ना आपको
आपको इन तमाम चीजों से मतलब था, अब क्या परेशानियां समझ निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि आप न कोर्ट जाते थे, न कचहरी जाते थे, न मुकदमा था आपके ऊपर, न थाना, पुलिस, दरोगा, कुछ नहीं था, लेकिन अपने भाई के लिए आपको जो है सब कुछ झेलना पड़ रहा है। मतलब समझिए कि आप अभिमन्यु की भूमिका में है और इकलौते ऐसे इंसान है जो लड़ रहे हैं, क्या क्या कठिनाइयां सामने आ रही है। देखिए मैं तो आज तक मैं कभी लाइव वीडियो भी नहीं बनाया था और कभी भाई का वीडियो शेयर ना करना चाहे, उसमें हस्तक्षेप करता ही नहीं था, क्योंकि भाई ने बताया था कि हाँ जे तुमको इस चीज में इन्वॉल्व नहीं रहना कभी भी। तो मैं अपनी जॉब करता था और उसी में मैं खुश था, मैं दिल्ली में जॉब करता था और परिवार को साथ में रखकर, मम्मी कभी आती थी, कभी भाई आता था, सर चाहे कभी पापा आते थे, तो बस यही मेरी जिंदगी थी। लेकिन जब मेरा छोटी सी फैमिली है, जब भाई पे पड़ा तो सारे चीज़ें सिखा दिया कि हाँ, कानून भी सिखा दिया, कोर्ट कचहरी भी सिखा दिया, रिपोर्टिंग सॉरी कैमरा फेस करना भी सिखा दिया। मैंने पहला जो वीडियो बनाया था आप, मतलब परिस्थितियों ने पूरा बदल दिया। आपको याद होगा, कभी आपने देखा होगा, तो मैं पहला जो वीडियो बनाया था, लाइव वीडियो बनाया था, तो उसको मैं 5-6 बार डिलीट करके बनाया था। एक बार में नहीं हुआ, दो बार में मैं सोचा कि हाँ नहीं बनाता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं चलो मैं पोस्ट करता हूँ, तो भाई के लिए तो कुछ ना कुछ आवाज़ बनकर, कम से कम मैं नहीं आऊँगा तो कौन आएगा। अच्छा, किससे सबसे ज्यादा उम्मीद अभी तक किसके किसके पास जा चुके हैं आप कि मनीष कश्यप की ये इंसान आवाज उठा सकता है, मनीष कश्यप को ये जेल से बाहर निकाल सकता है, मनीष कश्यप इसके लिए लड़े थे तो ये मनीष कश्यप के लिए खड़ा हो सकता है, किसके किसके पास जा चुके हैं? लगभग मैं पॉलिटिकल आदमी की बात करूं तो लगभग सारे लोगों के दरवाजा खटखटा चुका हूं, चाहे सारे राजनीतिज्ञों के पास लगभग मैं कोशिश भी किया हूं, खटखटाया भी, लेकिन किसी ने सुनी नहीं, किसी तक कोई ऐसा भी है कि हां वहां तक आवाज नहीं मेरा पहुंच पाया, कोई इग्नोर कर दिया या कुछ, सारे पार्टी के, ऐसा नहीं कि एक पार्टी को, मैं सारे पार्टी के तरफ मैं जा चुका हूँ, लेकिन किसी ने इग्नोर कर दिया, कोई आवाज आगे तक फॉरवर्ड नहीं किया। लेकिन मुझे लगा कि आप खुद ही करना पड़ेगा, कुछ भी हो खुद ही करना पड़ेगा, आप किसी पे डिपेंड रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका ही टाइम वेस्ट होती है। जब भी मैं मतलब सबके पास गए लेकिन सुना किसी ने नहीं, बिल्कुल, जब भी मैं किसी नेता के पास जाता हूं तो बहुत बड़ी। अच्छा, आपको उम्मीद है कि नेता लोग जो है वो मनीष कश्यप को बाहर निकाल सकते हैं, निकलवा सकते हैं? देखिए मैं तो एक कोरा कागज, जो भी आ जाए, कुछ भी लिख दे तो उसी पे विश्वास कर लूंगा, आ जाए। देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं, खोने के कुछ भी नहीं है, कोई भी हाथ सर पे रख दे वही मेरे लिए भगवान है, देवता है, सब कुछ है। तो लेकिन आने की कोशिश तो कर रहे पहले। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके बाद तमाम बड़े बड़े अधिवक्ताओं से, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से, तमाम विद्वान वकीलों से आप मिले हैं, एक शब्द में अगर पूछे तो मनीष कश्यप कब तक जेल से निकल सकते हैं? देखिए सबसे बड़ा इशू है कि एनएसए बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वो किसी भी लग जाती है, तो जितना मुझे नॉलेज है तो शायद कोर्ट भी थोड़ा परहेज करती है कि हाँ जो उस पर हटाना, क्योंकि सरकार का एक दबाव होती है। अच्छा, मनीष कश्यप किसी और से तो पूछ नहीं सकते, वो आपसे ही पूछ सकते हैं कि भैया क्या हुआ, बाबू क्या हुआ, बबुआ क्या हुआ, तो आप उनको क्या सांत्वना देते हैं, कि क्या देते हैं, मतलब एक ढांढस तो बंधाते होते कि एक दो दिन में निकल जाएंगे, चार दिन में निकल जाएंगे, कैसे सांत्वना देते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए मैं जहां तक सोचता हूँ, जहाँ उसकी उम्मीद ना टूटे, चाहे उसका हौसला ना टूटे, मैं किसी टाइप का कोई भी, जैसे मैं कुछ भी मैं फेस किया हूँ, कुछ भी, चाहे पैसे को लेकर, चाहे मैं भाग दौड़ को लेकर, मैं आज तक उनसे कभी मैं जिक्र नहीं किया हूँ, ताकि उसका हौसला ना टूटे, और आए तो उसी अंदाज में आए, और उसी अंदाज में बिहार की आवाज़ बने, उसी अंदाज में गरीबों का आवाज़ बने, और जब आए तो गरीबों की आँखों में जो आंसू इस टाइम है, कोई मैंने बहुत सारे ऐसे हैं, उसकी चेहरे पर मुस्कान बन जाए, और उस मुस्कान को देख कर उसको हौसला मिले कि हाँ चल फिर से बिहार बदलते हैं। 10 दिन पहले आप मिलकर आए थे, एक बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, टूट गए वो मनीष कश्यप, या फिर टूटने के बाद फिर बिखर के और निखर कर सामने आएंगे? देखिए जिस तरह मैं उम्मीद दिलाया था तो उस सामने तो चेहरे के सामने तो नहीं आया था, लेकिन मुझे उम्मीद था कि हाँ थोड़ा सा उनको दुख हुआ था, दुख क्या, बहुत दुख हुआ होगा, जो बंदा सोच रहा है कि हाँ कल मैं निकल जाऊंगा, परसों निकल जाऊंगा, और मैं जाकर मैं बोलूँ कि नहीं वो मेरा केस हो गया, फॉरवर्ड चला गया आपको मद्रास हाई कोर्ट, तो कोई किसी का भी उम्मीद थोड़ा टूटती है, लेकिन फिर भी बंदा एक एक दिन काट रहा है, एक-एक दिन काट रहे हैं। हाँ, बिहार वासियों से मैं बोलना चाहूंगा, एक एक दिन काट रहा है, आप लोगों के लिए काट रहा है, आप भी उम्मीद जगाओ, कम से कम भगवान से दुआ करो कि उसके अंदर को हौसला मिले, वो ताकत मिले कि हाँ जो वो एक एक दिन काट कर जो आए जिस तरह गया था उसी अंदाज में आए बस। आपको क्या लगता है मनीष कश्यप से वो कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से उनको इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, बिहार तमिलनाडु की जेल में रहना पड़ रहा है, कौन सी ऐसी गलती उन्होंने कर दी? गलती ये हो गई कि हाँ वो अपने परिवार को नहीं देखा, वो अपने भाई को नहीं देखा, अपने माँ को नहीं देखा, अपने पापा
को नहीं देखा, या अपने भतीजे को, या अपने रिलेटिव को नहीं देखा, वो सिर्फ बिहार के लिए सोचता रहा, यही उसकी गलती, सबसे बड़ी गलती है। मतलब बिहार के लोगों के आवाज उठाना वो गलती हो गई। मनीष कश्यप जो है सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रेम करते थे वो आप थे और अपनी माँ से प्रेम करते थे? नहीं नहीं नहीं, सबसे ज्यादा जो वो प्रेम करता था वो बिहार के लोगों से प्रेम करता, बिहार से प्रेम करता और देश के प्रति प्रेम था उसका। अब मुझसे क्या, मुझसे 3 महीने 4 महीने पर तो आते थे मेरे पास, महीने में 1-2 बार बात होती थी, बस यही फोन करता था, 10 बार फोन करूंगा 10 बार कट कर देता, एक बार मुश्किल से कभी फोन आ गया, रिसीव हो गया, बस यही। पिताजी आपके बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं, बड़ा मनीष भैया बड़े थे छोटे आपसे? मेरे से बड़े हैं। मनीष भैया बड़े भाई हैं, वो जेल में बंद है और इस वक्त आप स्तंभ के रूप में है घर में, आपको जो है डील करना अपनी माँ को भी अपने भाई को भी, माँ को क्या बताते हैं कि कब तक निकल कर आएंगे? और माँ की जाहिर सी बात है माँ की आंखों में आंसू रहेगा, काहे कि माँ की ममता है, उनकी प्रेरणा है और माँ की जो है जो एक दिल है वो मानता ही नहीं है, माँ को क्या बताते हैं? माँ रोती होती है? जितनी मुश्किल भाई को संभालने में मुझे लग रहा है उससे कहीं ज्यादा मुझे माँ के प्रति मुझे डर लगता है, कि माँ पहले से ही मेरा थोड़ा बीमार उमर रहती है, थोड़ा ब्लड प्रेशर पेशेंट है, और जैसे हुआ था ना कि हाँ कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले हुआ था, खबर चल रही थी कि वो भी सोशल मीडिया, जब से मम्मी भाई गया सोशल मीडिया चलाती है, मैं फेसबुक डाउनलोड करके दे दिया हूँ, तो वो भी देख रही थी कि हाँ 1 साल तक मनीष कश्यप नहीं आएगा, राज्यपाल ने मोहर लगा दी है, और मेरे एक मौसी लड़के थे वो भी बता दिए थे, तो उस पर उनका रिएक्शन थोड़ा सा अलग हो गया था। मतलब माँ को भी समझाना कठिन है? हाँ, थोड़ा सदमा टाइप का उनका लग गया था। जो तमिलनाडु में FIR दर्ज हुई थी, उन FIR का क्या हुआ? अभी कुछ अभी वही पेंडिंग है, अभी 8 तारीख के बाद मैं यहाँ पे आ गया, पटना आ गया, पटना से अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू भी है। हाँ। तो सुनने में आया है कि आप खेत गिरवी रख दिए, कुछ जेवर ओवर माँ का था वो गिरवी रख दिए हैं, ये बात सही है क्या? देखिए जब हम लोग सेकेंड या थर्ड सुनवाई के बाद से थोड़ा सा हम लोग को पैसा कम मगर दिक्कत होगा, फिर उसके बाद हम लोग जमीन बेचे नहीं है, गिरवी रखे हैं बस। ये जमीन गिरवी रखे मनीष कश्यप के लिए? हाँ, बेचे नहीं है। हाँ। ये सच्चाई है। तो क्या बेचे हैं? बेचा हूँ बस थोड़ा सा गहने वाले थे वो बेचा हूँ, और अपने आप को बेच दिया हूँ, क्योंकि मार्केट से पैसा लेना इस समय दिल्ली से 2-3% होती है। हाँ। तो यानी अपने आप को 5 साल तक बेच दिया बस। मतलब केस फौजदारी मुकदमा लड़ने के लिए, एक भाई को न्याय दिलाने के लिए, एक भाई को जेल से निकालने के लिए आप अपने आप को जो है मतलब एक प्रकार से ये बेच दिए, मतलब कुछ पैसा उधार पर कर्जा पर गिरवी लेकर कुछ पैसा कर्जा और जा लेकर केस लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल। नीतीश कुमार जी से बस यही बोलूंगा कि आप इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं और एक बुजुर्ग आदमी भी है और वरिष्ठ नेता भी है और बिहार के प्रधान भी है, तो एक प्रधान के नाते, एक मुखिया के नाते आप इस चीज में हस्तक्षेप कीजिए प्लीज, एक बार टाइम मेरे लिए निकालिए। बिहार के लिए गौरव का विषय होगा जब नीतीश कुमार जी मनीष कश्यप के लिए आवाज उठाएंगे और इसके बाद वहां पर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु सरकार ने नस्से लगाया, किसने? तमिलनाडु सरकार ने। तो जिस राज्य के लोग हैं मनीष कश्यप, जिस राज्य के हैं, उस राज्य के मुखिया यानी मुख्यमंत्री का यह दायित्व बनता है कि अपने नागरिक की रक्षा सुरक्षा के लिए दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से बात करें और इस मामले का संज्ञान लें, क्योंकि एक राज्य के मुखिया का यह दायित्व बनता है कि वो अपने व्यक्तियों की संरक्षण, अपने व्यक्तियों की सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से मुहैया करवाए और कहीं ना कहीं तमाम चीजों की निगरानी करे, ताकि मनीष कश्यप या कोई भी अन्य इंसान के ऊपर एनएसए लगे तो वो जो है कहीं ना कहीं बातें संज्ञान में हो और दूसरे राज्यों में जो बातें हुई हैं वो सामने निकलकर पटल पर आए, और इसके बाद हो सकता है कि नीतीश कुमार जी यानी मुखिया जी के बात करने के बाद हो सकता है मनीष कश्यप को न्याय मिले और एनएसए हट जाए, यही चाहते हैं ना? बिल्कुल यही चाहते हैं। सुनने में आया है कि आप 27 तारीख से मनीष कश्यप के लिए, मनीष कश्यप की बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो है बिहार के अन्य अन्य जिलों में जाने का प्रयास कर रहे हैं, और 27 तारीख को पहला कार्यक्रम मोतिहारी में है जहां अनिकेत रंजन के संरक्षण में आप मनीष कश्यप की बात को जन जन तक, मोतिहारी की जनता तक पहुंचाएंगे, पूरी बात क्या है, सच्चाई बताइए। देखिए हम लोग चाहते हैं कि हाँ बिहार, देखिए डिजिटल मीडिया के थ्रू तो आप, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप सबको ही को पता हो ही गया कि मनीष कश्यप के कैसे, किस तरीके से उनको फंसाया गया, चाहे किस तरीके से उन पर कार्रवाई हुई और एक तरफा कार्रवाई हुई, तो इस चीज को हम लोग चाह रहे हैं ग्राउंड पे जाकर, लोगों के बीच में जाकर हम लोग समझाने का। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद मनीष कश्यप से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे 90%। बाकी और कुछ सवाल होगा तो अगले वीडियो में करण कश्यप से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तक मनीष कश्यप के ऊपर क्या हुआ है उसको जानने का प्रयास, आगे की क्या रणनीति है, करण कश्यप क्या कर रहे हैं मनीष कश्यप के लिए, इन तमाम विषयों पर बात कर रहे थे। करण भाई आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।